भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल डोंगरगढ़ के जवानों ने आईटीबीपी का 63वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 40वीं वाहिनी के सामरिक मुख्यालय में कमांडेंट की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। अनंत नारायण दत्ता ने बताया कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का गठन 24 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा के लिए किया गया था, लेकिन बल वर्तमान में सीमा सुरक्षा के अलावा उत्तरी पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों के साथ जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवाद से लोहा लेने, छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में भी जुटा है। स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है वो माउंटेनियरिंग है, पहाड़ों का जो अनुभव है रहना तथा पहाड़ों के इलाके में कार्य करने का जो अनुभव है ये किसी भी फोर्स में नहीं है। आईटीबीपी को एक स्पेशलाइज माउंटेनियरिंग फोर्स में जाना जाता है और तथा आईटीबीपी का बहुत सारे उपलब्ध आप जैसे सभी को विदित है, आईटीबीपी इंडिया तिब्बतन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के 63वां स्थापना दिवस है। आईटीबीपी आज के दिन 1962 में स्थापना की गई थी और हर साल हम 24 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। स्थापना दिवस में हम अलग अनेकों उपलब्धियाँ उसको हम गिनाते हैं। आईटीबीपी एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जिसमें माउंटेनियरिंग के कला के निपुण होने के अलावा आईटीबीपी दुर्गम इलाके में बॉर्डर पेट्रोलिंग करती है, साथ में सीआई ऑफ ड्यूटी तथा एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी अपने आप को तैनात करती है। आईटीबीपी को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और अलग अलग कार्यों में भी नियोजित किया जाता है जो आईटीबीपी बखूबी निभाती है।